हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स में आपके चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत सुबह सुबह मैं क्लीनिंग से कर रही हूँ, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं और त्यौहार से पहले मैं तो क्लीनिंग करती ही हूँ, डीप क्लीनिंग। और पहले मैंने सुबह सुबह आज चाय पीने के बाद, मेडिटेशन के बाद नहा लिया, और नहाने के बाद मैं सभी क्लीनिंग करती हूँ। ऐसा कोई नहीं करता, पहले नहाने से पहले करते हैं। पर जब भी डीप क्लीनिंग करनी हो तो मैं जब फ्रेश हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है, फिर ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा भी नहा लेती हूँ। अभी ये मंथली मेरी डीप क्लीनिंग है सोपे की, तो मंथली डीप क्लीनिंग तो हमेशा अच्छे से करनी पड़ती है। ये महाराजा सोफा है और इसमें डिजाइन है, इसमें बहुत सारा ऐसी धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है, तो आराम से जो क्लीनर होता है सोफे का, उससे कपड़ा भिगो कर मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ धीरे धीरे। और जो ये कुशन दिख रहे हो, उस सब के कवर मैंने धो डाले हैं सुबह सुबह, और बाद में ये सोफे की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि महीने में तो एक बार ऐसे सोफे की डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है अच्छे से। और अभी तो मुझे थोड़ा वक्त मिल रहा है, नहीं तो मैं तो सुबह 5-6 बजे उठकर ऐसी क्लीनिंग करती थी जब पार्लर शुरू रहता था। पर अभी कोरोना इतना बढ़ गया है कि पार्लर शुरू करने का चांस ही नहीं अभी। और कस्टमर तो रोज़ आते हैं गेट पे, बोलते हैं दीदी हमारा करके दो, आपका पार्लर घर में ही है। पर कोरोना इतना बढ़ गया है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती और सभी कस्टमर वापस कर देती हूँ, कहती हूँ फिर 8 दिन बाद खुलूँगी, 10 दिन बाद खुलूँगी, ऐसा बोल के। और गेट में लॉक भी लगाना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर अंदर सीधे आ जाते हैं और फिर मुंह पे नहीं बोलो मैं नहीं कर सकती, वो फोर्स करते हैं अपने को करने दो, करके दो काम, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पार्लर बंद है तो कम से कम गार्डन पर ध्यान दे रही हूँ और डीप क्लीनिंग कर रही हूँ घर की अच्छे से। तो अभी ये बातें करते करते सोफा क्लीनिंग हो चुकी है, इसके भी कवर धो डाले मैंने सोफे के, और किचन में आ गई हूँ, खाना पका रही हूँ। तब तक कवर सूख जाएंगे और मैं सभी गद्दी पे सोफे पे कवर लगा दूँगी। आप आज मेरे पास सिंपल सी सब्जी है, दाल है और रोटी चावल, बस इतना ही बनाऊँगी, भिंडी की सब्जी, रोटी चावल, क्योंकि जब भी ज़्यादा काम करो तो खाना तो पकाना ही पड़ता है। पर मैं सिंपल सा ही पकाती हूँ जब डीप क्लीनिंग करती हूँ। और मुझे दोपहर में भी क्लीनिंग करनी है, पर वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये देखो भिंडी इतनी बारीक बारीक काट कर रखी है मैंने सुबह ही। और गैस क्लीनिंग हो चुका है, पोछा सब क्लीनिंग हो चुका है, सिर्फ डाइनिंग क्लीनिंग करना है, वो खाना पकाने के बाद करूँगी। प्याज डाल दिया है, लहसुन अदरक पेस्ट, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मसाला। ऐसी सिंपल सी भिंडी बन जाती है और अच्छी बन जाती है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सब मसाले डालूंगी ऐसे ही, और सिंपल सी मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। दाल भी अभी कुकर में चढ़ा दी थी, वो भी तैयार हो चुकी है, और रोटी बनानी है बस। फ्रेंड्स, आप किचन में देख रहे हो दो प्लांट दिखेंगे आपको ऊपर, ऐसे मैंने हर जगह ऐसे लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे प्लांट बहुत ही पसंद है। तो पानी में ग्रो करके, कुछ मिट्टी में ग्रो करके, सभी जगह मैंने किचन में लगा दिए हैं। इससे क्या होता है, खाना बनाते वक्त हमारा मूड बहुत फ्रेश रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है, अच्छा लगता है हमको। और आप लोगों को गार्डनिंग का शौक़ नहीं होगा, गार्डन नहीं बनाते हो तो वो करो प्लीज़,
मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि जो लोग गार्डनिंग का शौक करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जो अपने हाथ से पेड़ पौधे लगाओ और वो बढ़ते देखो और उस पर फ्लावर्स आते हैं तो अलग ही खुशी हो जाती है। ये दाल हो चुकी है मेरी, और मेडिटेशन भी करो, मेडिटेशन से हमारा बहुत सारा डिप्रेशन चला जाता है, डिप्रेशन आता ही नहीं। मैं तो बहुत साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, 15 साल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए लगता है आप लोग भी मेडिटेशन करो और अपने दुखों से दूर रहो, अपने टेंशन फ्री रहो, खुश रहो हमेशा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको वीडियो में कि आप लोग मेडिटेशन करो, बहुत शांति मिलती है। मुझे लगता है मुझे ऐसी शांति मिली वो सबको मिल जाए और सब लोग खुश रहे। इसलिए आप सबको बोलती हूँ मैं, आप जो जो मेरा वीडियो देखते हो, कि आप मेडिटेशन करो। तो अब बातें हो गई है, अभी बनाऊंगी रोटियां गर्मा गर्म। फ्रेंड्स, मैं आज पार्लर का वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है आज, तो इसलिए क्लीनिंग निकाली है घर की थोड़ी सी। तो पार्लर का मैं खुद पर भी नहीं सिखा रही हूँ आज आपको, उसके लिए सॉरी। अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कुछ पार्लर का शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि कस्टमर तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। आते हैं रोज़ आते हैं कस्टमर, पर मैं खुद काम नहीं कर रही हूँ कोरोना की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है मैं काम करूँ तो वायरस लग जाएगा। मुझे नहीं, मेरी इतनी चिंता है, पर बेटे के लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। देखते हैं कोरोना जाएगा तो मैं तो काम करूँगी ही। सब दुल्हन के ऑर्डर लिए थे मैंने, एडवांस में पैसे भी लिए थे, सबको वापस कर दिए हैं। और अभी खाना पकाने के बाद सभी क्लीनिंग कर रही हूँ, और किचन की और डाइनिंग की करूँगी। और आज थोड़ी देर आराम करने का विचार है, 10-15 मिनट तो करना ही पड़ता है। काम करते करते पैरों में दर्द हो रहा है, तब देखो कैमरा गिर गया है यहाँ पे। और अभी ये डाइनिंग क्लीनिंग करूँगी, इसका कपड़ा हटा दिया है मैंने तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और आज मुझे ये प्लांट्स की कटिंग लाई थी वो भी लगानी है, 2 दिन से ला कर रखी है, एक लगा ली है, अब ये दो प्लांट की लगानी है। वो भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जगह जगह जब कैमरा ले जाना नहीं हो सकता, क्योंकि आज एक्स्ट्रा काम है। इसीलिए जब काम कम होता है तो मैं दिखाती हूँ, जैसा हो सके वैसा। तो फ्रेंड प्लीज़, पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, आप लोग कमेंट्स करना भूल जाते हो। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ बैठकर शांति से, 15-20 मिनट तक देखूँगी, आधा घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर काम में लग जाऊँगी। बस ऐसी ही मेरी आज की दिनचर्या है। अब टीवी किया है बंद और थोड़े देर आपके साथ बातें करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा ये छोटा सा ही था। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।